सो गाइस आप सभी का वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज अपन खेलने वाले एक और नया गेम जिसका नाम है बान फाइंडर्स। और ये वाला गेम यार काफी ज्यादा शानदार है। इस गेम के अंदर ना देखो अपन रहने वाले अपने अंकल बिली के साथ। अपने पास अपनी खुद की बाइक होगी, खुद की कार होगी, एक खुद का घर होगा। बट यार ये सारी की सारी चीजें ना फुल्ली डैमेज हो रखी हैं। तो पहले अपने को सारी की सारी चीजें रिपेयर करनी होगी, उसके बाद में अपन इनको यूज में ले सकते हैं। वो रिपेयर करने के लिए अपने को सबसे पहले चाहिए मनी, रुपए चाहिए। तो वो यार अपने को जॉब से मिलने वाले हैं, तो अपने को एक जॉब भी करनी होगी। और जॉब अभी तक हमें को पता नहीं अपन क्या करने वाले हैं, बट अपन जॉब करने वाले हैं इतना तो पक्का है। तो सबसे पहले अपन गेम को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो गाइस मेरा गेम है वो तो स्टार्ट हो चुका है समवेयर इन अमेरिका 1991। अभी अपन अमेरिका में कहीं पे तो है 1991 में। और अपनी अलार्म बज रही है, पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ। और सामने की साइड में अपने अंकल बिली खड़े हैं जो कि कह रहे भाई जल्दी से खड़ा हो जा। तो सबसे पहले तो अपन खड़े होते हैं। गेट अप बैटरी फ्रॉम अवर ट्रैक एनी फिक्सिंग, ओके ठीक है। जो अपनी ट्रक की बैटरी ना वो खराब हो रखी है तो अपने को उसको सही करना है। बट यार अंकल जी एक सेकेंड यार, मतलब कि बंदे को सोने तो दो यार ढंग से, मतलब कि खड़ा नहीं हुआ उससे पहले बाहर निकल काम करना है, काम करना है। हाँ मैं सारा काम कर लूंगा बट यार थोड़ा समझा करो यार, नींद भी आती है। तो देखो अभी अपने को काम भी करना है, बट उससे पहले अपन अपना पूरा का पूरा रूम चेक करने वाले हैं। रूम वैसे इतना ज्यादा शानदार तो नहीं है, बट अगर अपन 1991 के हिसाब से देखें तो ये वाला रूम यार काफी ज्यादा मस्त है। क्योंकि इस बंदे के पास देख रही हो मतलब कि कितना बढ़िया गेस्ट स्टोक है, जो कि मॉडर्न टाइप का गेस्ट स्टोक है, काफी ज्यादा बढ़िया। और इस बंदे के पास एक फ्रीज भी है, इसके अंदर एक सेकेंड मिल्क है। ओ भाई मैं इसको, ओ यार मैंने इसको पिया नहीं, मैं इसको रिसाइकिल कर दिया जिससे अपने पास थोड़े बहुत रुपए भी मिल गए हैं। और यहाँ पे यार काफी ज्यादा जाले वूले भी लगे हुए हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले जितनी भी बीयर की बोतल है सारी की सारी मैं बेचने वाला हूँ। इनमें से मैं कुछ भी नहीं रखने वाला, यहाँ पे अपन नया कुछ लेके आने वाला है। बियर नहीं लेके आने, मतलब दूध वूध या फिर कुछ भी अपन बढ़िया लेके आने वाले हैं। और एक ये पोस्टर है यार, इसको अपन हटा नहीं सकते, इसको भी अपन कुछ ना कुछ करके तो हटाने वाला है। बियर अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी इस साइड में अपने पास एक बेड है जिसमें अपन आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पे अपने पास एक कबर्ड है। ओ भाई अपने पास चिप्स भी हैं, तो ये भी मैं बेच देता हूँ, अपन इनको खाने नहीं वाले, पता नहीं यार कितने टाइम से रखी होंगी। और यहाँ पे इस बंदे की एक फोटो भी है, तो इसको अपन यार बेचने वाले, ये तो इस बंदे की है तो इसको रहने देते हैं। और ऊपर की साइड, ओ भाई टॉयलेट पेपर, यार बेडरूम में टॉयलेट पेपर कौन रखता है, यहाँ पे देखो टॉयलेट पेपर से यार भाई ये बंदा है कि पता नहीं क्या है। इस साइड में एक सोफा है और यहाँ पे अपनी टेबल और चेयर है जिसके ऊपर बैठ के अपन आराम से अपना काम कर सकते हैं। और ये चीजें मैं बेचता हूँ, वैन 2, 3 और इस साइड में ये वाला 4, ओके ठीक है डन। अभी ये दोनों अपन नहीं बेचने वाले और ये चीज भी अपन नहीं बेचने वाले। और तो कुछ है नहीं शायद तक यहाँ पे, ये वाला एक तो ये वाला भी, और भाई तू भी जा, तेरा भी कोई काम नहीं है तू भी जा। अभी तो कुछ बेचने लायक मेरे को लगता नहीं है, कुछ है नहीं, कोई नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अपने $45 हो चुके हैं। अभी अपन पहले तो ये देख रहे हो अपने पास एक सूटकेस है और ये काफी ज्यादा शानदार लग रही है क्योंकि इसके ऊपर देख रहे हो लोगो कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया, एक कार का है, एक चिकन का है, यहाँ पे ये अमेरिका का लोगो है, हाँ अमेरिका फ्लैग है। और इस साइड में एक यूएमपी का है जो कि काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अभी पहले अपन चलते हैं बाकी साइड में ट्यूटोरियल फर्स्ट टास्क, ओके ठीक है। गेट द बैटरी फ्रॉम योर कार स्टैक, ओके ठीक है। पहले अपने को बैटरी निकालनी है, वो चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो रखी है, बाद में उसको जनरेटर के अंदर डालना है और उसके बाद में वो चार्ज होने वाली है। और अपने को अपनी शॉप के अंदर जाके अपनी मेल चेक करनी है कि वहां पे किस बंदे की क्या रखी है, अपने को जॉब भी तो करनी होगी यार साथ साथ में। तो सबसे पहले इसको क्लोज करता हूँ और बाकी साइड में चल के देखें तो यहाँ से देख रहे हो मौसम कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और ऊपर की सर्च में जो बर्ड्स उड़ रही ना यार काफी ज्यादा शानदार लग रही है। अभी पहले देखो ये तो अपना छोटा सा रूम हो गया और इस साइड में ये वाली साइड तक अपनी शॉप है। ऊपर की साइड से देखे तो यहाँ पे बान फाइंडर्स और यहाँ पे अपने अंकल जी भी बैठे हैं, देख रहे हो भाई ओ भाई कैसे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आते ही चिल्लाने लगा हेलो अंकल जी क्या हाल चाल है, एकदम बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के मस्त बैठे हैं, इनको नहीं तो कोई काम करना है। ओहो भाई ताली बजा रहे कि ओ तू इतनी जल्दी उठ गया कैसे उठा, तो अंकल यार सॉरी फॉर लेट यार, मतलब हो जाता है कभी कभी लेट यार। तो अभी पहले अपन एक काम करते अपने इस बढ़िया सी शॉप के अंदर चलते हैं। और अंदर के साइड से अपनी शॉप काफी ज्यादा बड़ी है, बट अभी तक अपनी शॉप के अंदर एक भी सामान नहीं है। तो अपने को पहले यार यहाँ के लिए सामान भी लेके आना होगा ताकि बंदे यहाँ पे आए और सामान भी खरीद पाए। और इस साइड में ये रहा अपना पीसी जहाँ से अपन अपना जॉब ले सकते हैं, बट ये वाला काम अपन बाद में करने वाले हैं, पहले तो बाहर की साइड चलते हैं और सारा कुछ चेक करने वाले हैं। यहाँ से भी एक डोर है जो कि साइड में जा रहा है रोड से पहाड़ी की साइड में, और इस साइड में भी अपने पास एक डोर है जो कि इस साइड में जा रहा है।
अब बाकी यहाँ पे एक बढ़िया सा बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है अपनी शॉप के लिए, और नीचे के साइड में नंबर भी दे रखे हैं अगर किसी बंदे को मेल करना हो या फिर कॉल करना हो। और यहाँ पे अपने पास अपने चिकन्स के लिए एक बढ़िया सा ग्रेनरी भी है, तो वो आराम से खाना वाना खा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, अपने पास एक छोटा सा बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, और साथ में अपने पास बास्केटबॉल भी है भाई। इनको अपन ऐसे कुछ करके फेंक सकते हैं आराम से। यहाँ पे ओ भाई थोड़ा सा बचा, एक सेकंड यार वापस ट्राई करने वाला हूँ भाई, यहाँ पे आराम से वापस आ अभी यहाँ पे। ओ भाई यार नहीं आने वाला, चलो छोड़ो ये नहीं होने वाला, बाद में ट्राई करने वाले हैं। अभी ये अपना गैराज है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया सा है। अभी बस अपने पास यहाँ पे गाड़ी है नहीं, तो पहले अपने वो गाड़ी यहाँ पे लेके आनी होगी, बाद में यहाँ पे रिपेयर होने वाली है। और सामने की साइड में अपने पास एक जेरी कैन भी पड़ा है, तो इसको मैं उठा लेता हूँ, साथ ही में अपने काम में आने वाला है, तो इसको रखते हैं अपने बैग के अंदर। और यहाँ पे यार एक गैराज है, ये भी थोड़ा टूटा फूटा सा लग रहा है मेरे को, लग कहाँ रहा भाई, टूटा फूटा है ये वाला गैराज। यहाँ पे ये सारी सारी चीजें अपन तोड़ सकते हैं, बट उससे पहले अपने को एक्स दी होगी, बाद में ये वाली सारी सारी चीजें तोड़ के अपन नहीं लगा सकते हैं, तो ये वाला काम अपन बाद में करने वाले हैं। असेंबली स्टेशन, ओके ठीक है, यहाँ पे अपनी गाड़ी वो असेंबल होने वाली है। अभी यहाँ से तो मैं बाहर चलता हूँ, और अपना चिकन देख रहे हो कैसे इधर से उधर भाग रहा है। और अभी देखो गाइस अपने टाइम पास काफी ज्यादा कर लिया, अपने को जल्द जल्दी अपना वर्क भी करना होगा। ठीक है अंकल जी, मैं वर्क करता हूँ, मैं देखो अभी काम करने वाला हूँ, मैं और कुछ भी नहीं करने वाला। तो अंकल जी बोल रहे हैं हाँ भाई जल्दी से जा, तो इतनी देर होगी, तू पता नहीं क्या कर रहा है इधर से उधर। तो भाई तू तो साइड हट, तेरा कोई काम नहीं, तू इस साइड में। और ये साइड साइड मैं बेच देता हूँ 1, 2, 3। और अभी ये वाला डब्बा, इसका भी कोई काम नहीं है, तो भी यहाँ पे आ। अभी इस साइड में अपने पास एक कार है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया, बट यार इस साइड की साइड रस्टेड हो रखी है, और जो इसकी विंडो ने वाली इतनी ज्यादा खराब हो रखी है, पता नहीं यार ये बंदा कहाँ पे चलाता है, शायद तक कीचड़ से किस गाड़ी को लेके जाता होगा। इसको भी यार अपने को पूरा सही करना है, वॉश करना है, उसके बाद में ये वाली कार काफी ज्यादा बढ़िया लगने लगेगी। बट एक सेकेंड यार, आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस गाड़ी का जो गैराज है ना, देखो वो तो अपना रिपेयरिंग गैराज है, बट जो घर के पास गैराज होता है ना अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए, वो कितना ज्यादा घटिया सा गैराज है, मतलब इतना ज्यादा घटिया गैराज जिसके ऊपर छत भी नहीं है ढंग से। तो ये भी अपने को रिपेयर करनी होगी, बट सबसे पहले अपने को अपना टास्क करना है जो कि बैटरी चेंज। और पीछे की साइड में इस गाड़ी का स्पेस काफी ज्यादा है, अपन एक ही बारी में काफी ज्यादा सामान ला सकते हैं, ले जाके बेच सकते हैं, तो ये सब भी अपन करने वाले हैं। बट उससे पहले सबसे पहले अपने को बैटरी लेनी है, इसको निकाला बाहर की साइड में। तो अभी अपना जनरेटर, उसने कहा था कि जस्ट अपनी पवन शॉप के पीछे ये रहा, हाँ ये रहा अपना जनरेटर, तो सबसे पहले तो अपन इसको यहाँ पे लगाना। ओके ठीक है भाई, लगा दिया आराम से यार, इतनी जल्दी कौन, मतलब इस बंदे ने झटके से पटका कि भाई ले यार जल्दी से, मतलब बैटरी को चार्ज कर दे। अभी पीछे की साइड में अपने पास थोड़ा बहुत पानी का टैंक पड़ा है, और यहाँ पे ओ अच्छा ये वाला क्लीनिंग स्टेशन है, यहाँ पे अपनी कार को अपन ला के वॉश वॉश कर सकते हैं, या फिर कोई भी और पार्ट होगा तो उसको यहाँ पे वॉश कर सकते हैं अपन। अभी तो अपने पास कुछ वॉश करने लायक है अभी नहीं, तो अपने को पहले मेल चेक करना है जो कि अपना आ चुका है अपने कंप्यूटर पे। बट उससे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो बैटरी चार्ज हो रही है, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को लगता है बस बैटरी फट ना जाए, इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है जिसकी कोई हद भी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। अभी देखो गाइस अपना कंप्यूटर वो तो स्टार्ट हो चुका है, बट यार देख रहे हो कितना ज्यादा गंदा कंप्यूटर है, सारे का सारा यहाँ से स्क्रीन है वो भी टूटी फड़ी है, और ऊपर से कितना ज्यादा डस्ट भी लगा हुआ है। और साइड में ये क्या लिखा हुआ है, पोलियो और मोम, पता नहीं इस बंदे ने क्यों लिख रखा है, ये अपने को बाद में पता चलने वाला है। पहले तो अपन मेल चेक करते हैं, और अपने पास तीन ऑप्शन है, बान ऐप, आइटम कैटलॉग और मेल। पहले मेल ही चेक करने वाले हैं अपन। हेलो बान फ्रेंड्स, कैन यू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड, सो आई हियर देयर इज स्टिल नॉट स्टेज द ओल्ड रेड बान मे बी या कोड फाइंड देयर। ओके ओके ठीक है ठीक है। अभी अपना एक ओल्ड फ्रेंड है जिसका नाम है माइक, उसका मेल आ रखा है, उसने कहा है कि जो मेरा ओल्ड रेड बान है ना, वहां पे एक नोटिस टेक पड़ी है, और नोटिस टेक पता है क्या होती है, जो हिरन के सिंग नहीं होते, जो काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं वहां पे वो पड़े हैं, और जो ये रेड बॉन है ये काफी ज्यादा पुराना भी है, तो अपने को वहां पे चलना है। और ये बंदा आप सोच रहे होगे कि अपने को क्यों दे रहा है, क्योंकि इस बंदे का जो बॉन है काफी ज्यादा गंदा सा पड़ा है, तो वहां की सफाई भी हो जाएगी, और साथ ही में अपने को वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी, तो इसके लिए बढ़िया है, और अपने के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि अपने पास अभी तक एक रुपया भी नहीं है। तो भाई मैं बिना सोच समझे इसकी जॉब एक्सेप्ट करने वाला हूँ, एक्सेप्ट जॉब। ओके ठीक है, तो पहले इसको लोकेट करते हैं, और यहाँ पे जाने के लिए अपने को एक पूरा जेरी कैन लगने वाला है, जो कि $54 का अपने को मिलने वाला है। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर रहे होगा मैप में, यहाँ पे अपने पास एक शिप भी है, वहां पे भी अपने को बाद में चलना होगा। अभी तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का अपने पास सिर्फ एक ही जेरी कैन फ्यूल है,
बट यहाँ तक तो कम से कम 5 से 6 लगने वाले हैं, तो वो धीरे धीरे अपन रुपए कमाने के बाद में चलने वाले हैं। अभी तो पहले अपन चलते हैं रेड बान में ट्रेवल। ओके अभी देखो गाइस, अपन रेड बान में तो आ गए अपने अंकल जी के साथ, और जो अपने बिल्ली अंकल है वो देख रहे हो कहाँ पे कैसे बैठे, और साथ ही में एक मुर्गी भी लेके आ गए। मतलब भाई ये कौन सा नशा की साथ में मुर्गी भी लेके आ गए। द रेड बान डेविंस लव नेस्ट। ओके ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आप अंकल जी दिखा दो। देखो ओ भाई, ट्यूटोरियल एक्सप्लोरिंग अबाउंडेड। अपनी को एक तो ये ढूंढना है जो कि मैं आपको बता रहा था ना, हिरन की जो मुंडी है, ऊपर की साइड में जो सिंग दिख रहे हैं ये भाई काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं, तो ये ऊपर से बाद में सेकंड नंबर पे अपने पास लुक फॉर अनदर वैल्यूएबल कलेक्शन। ओके ठीक है, कुछ मतलब ऐसा सा टाइप है जिसके अंदर अपन सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं। ये वाला सर्च फॉर एडिशनल आइटम एंड सीक्रेट्स देयर ऑलवेज। ओके ठीक है ठीक है, अपने को कुछ आइटम्स मिलने वाले हैं और साथ में कोई मैप भी मिल सकता है ताकि अपन वहां पे जाके वहां पे भी कुछ खोज सकें और बड़े आसान रुपए कमा सकें। मतलब कि जहां तक मेरे को लगता है अपन एक जॉब करते हैं जिसके अंदर अपने पास एक शॉप भी होने वाली है, वहां पे भी सामान लेके लोग अपने पास आने वाले हैं, और साथ ही में अपन एक डिटेक्टिव भी है, अपन बढ़िया बढ़िया चीजें खोजते भी रहेंगे ताकि उनसे भी अपन रुपए ले सकें। तो इसको तो मैं क्लोज करता हूँ, अपने को याद रखना है एक अपने को हिरन, एक सेकंड नंबर पे अपने पास ही कुछ व्हील टाइप्स मतलब ऐसा सा कुछ है ये लेना है, और बाद में थर्ड नंबर पे अपने पास जितने भी छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स होंगे वो सारे सारे अपने को उठाने हैं। तो अब इसको तो क्लोज करते हैं। बाकी सामने की साइड में आपको दिखाया था अपने अंकल जी, देख रहे हो मुर्गी को भी साथ में लेके आ गए। मतलब कि पता नहीं कौन सा सस्ता नशा कर रखा है, मुर्गी को भी बोले भाई चल तू भी चलते, को भी नई नई चीजें दिखा के लेके आते हैं। अभी अपनी मुर्गी थी वो कहां पे गई ये देखो। ओ भाई अंकल जी कुछ बोल रहे हैं, ओ देवे में से, ओ को भाई, मतलब अंकल जी ने कहा कि जो ये वाला रेड बाण है इतना ज्यादा फेमस है पुरानी चीजों के लिए कि यहाँ पे अगर कोई बंदा है ना तो उसको पक्की पुरानी चीजें मिलने वाली है, उसकी जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा होने वाली है। तो अंकल जी ने कहा कि एक एक चीज है ना बढ़िया से ढूंढ के लेना, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है वरना किसी और के हाथ नहीं आनी चाहिए। ओके ठीक है अंकल जी, आप बैठो मैं कह रहा हूँ आप अंकल जी आराम से बैठने वाले हैं। तो इस साइड में चले, वैसे आप शर्म नहीं आ रही आपको, मतलब कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ आपको शर्म नहीं आ रही, चलो थोड़ी यार अपने को अकेले को काम करना होगा। अभी इस साइड में सबसे पहले तो ये कुछ ऑयल कैन है, इसको उठाएं भाई, इसके अंदर कुछ है क्या? हेलो इसको हिला के देखे तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इस साइड में रख, तेरा कोई काम नहीं है, तेरे को कोई नहीं लेने वाला। अभी इस साइड में यहाँ पे कुछ नहीं है, और तो ये वाला एरिया पता नहीं किसका है, बट ये एरिया इस बंदे का नहीं है किसी और का है, तो ये अपन चेक नहीं कर सकते हैं। अभी अपन सिर्फ इसको चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे ये कुछ खाना पड़ा है तो इसको अगर अपन बेच सके, नहीं नहीं इसको अपन नहीं बेच सकते। ओ यहाँ पे ये कुछ है, ये ऑब्स्टेकल्स हैं तो ऐसे ना, ये तो ऑब्स्टेकल्स है, बाकी इनके अलावा अपने को दो चीजें और ढूंढनी होंगी, तो ये भी मैं उठाता हूँ। और ऐसे अपने को एक नहीं काफी ज्यादा मिलने वाला है। इसके नीचे कुछ है भाई, तू साइड में हो ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और इस साइड में जाने के बाद में यहाँ तक तो अपने साइड के साथ चेक कर लिया था, बस अपने को ये उठाना है, इसको रखना है इस साइड में भाई। तो यार बोले इतने ज्यादा इकट्ठे कर लिए, बस रास्ता ब्लॉक ना हो जाए अपना। यहाँ पे कुछ है नहीं यार, कुछ नहीं है। इन डब्बों के अंदर कुछ है, हेलो ए डब्बे कुछ है तेरे अंदर, इसके अंदर कुछ है नहीं वैसे। यहाँ पे इसको भी तू भी, ओ भाई अपने को यह मिल गया जो कि सेकंड नंबर पे था, तो भाई तू आ जा, तेरे को गाड़ी के अंदर लेके चलने वाला हूँ, तेरे को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वैसे काफी ज्यादा बढ़िया सा तो नहीं लग रहा, बट क्या पता ये बिकने वाला है, तो इसको तो मैं गाड़ी के अंदर रखता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, इसको अपने पूरा डब्बे के अंदर पैक करके रख दिया है, और ये वाली बकेट यार मेरे को लगता है कि बेफालतू में अपनी जगह रोक रही है। कोई नहीं अपन लास्ट में चेक कर लेंगे, अगर जगह रोक रही होगी तो अपन इसको यहीं पे फेंक देंगे, बकेट तो अपन और ले लेंगे नहीं। बट ये वाली जो चीज अभी अपन लेके गए थे ना ये काफी ज्यादा महंगी बिकने वाली है। अभी इस साइड में तू भी साइड में भाई, तेरा कोई काम नहीं है। वैसे यार काफी ज्यादा डब्बे पड़े, पता नहीं यहाँ पे जिसका बांध था वो पहले इतने डब्बों का करता क्या था यार, इतना ऑयल का क्या करता था। अभी तू भी साइड में, तेरा भी कोई काम नहीं है, और इसका तो कोई काम है ही नहीं। ऊपर की साइड में व्हाइट बट काफी ज्यादा शानदार लग रही है। ये सारे सारे एरिया अपने चेक कर लिया, मतलब इस साइड से लेके इस साइड तक अपने सारे सारे एरिया चेक कर लिया है। अभी अपनी बारी आती है इस साइड की, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे को, एक सेकंड वेट सेकंड भाई, पहले अपन इस साइड से भग के जाने वाले हैं। अंकल जी मेरे को कुछ तो खतरनाक सा मिला है, बट मेरे को पता है नहीं वो क्या है। भाई तुम साइड हो, कोई काम नहीं है तुम्हारा इस साइड। ओ भाई कुछ हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कुछ तो था यार, यहाँ पे लाइटिंग से ये हो रखी है, कुछ तो था, मैंने सोचा कुछ तो था। ये क्या भाई, मैंने पी तो लिया, पता नहीं क्या था बट मैंने पी लिया। ओ भाई डेलीवर्ड, पता नहीं क्या दिखने लगा मेरे को, ये एलियन टाइप कुछ है यार, एलियन विलियन तो नहीं आते होंगे यार। भाई मेरे को घबराहट हो रही है। ओ भाई यार कब्जा शानदार था,
बट मेरे को पता नहीं क्या था, मैंने बस पी लिया। एलियन टाइप सा मेरे को दिखा था, क्या पता उससे क्या हो। पोस्टर एडेड कलेक्शन, ओके ठीक है, अपना पोस्टर वो तो ऐड होगा कलेक्शन में। अपन ने शो तो देख लिया, काफी ज्यादा बढ़िया सा था। अभी तो तू भी भाई, तेरे को भी बेचते हैं वो इस साइड में, टेबल तू साइड में हो, तेरा कोई काम नहीं है। मेरे को इस साइड में कुछ दिखा था ना यहाँ पे, इसके पीछे। हाँ ठीक है, पहले अपने को ये दोनों डब्बे हटाने होंगे। सबसे पहले तू आ इधर, तेरे को रखा यहाँ पे, अभी तू भी आ इधर और तेरे को भी रखता हूँ यहाँ पे। अभी इस साइड में देख रहे हो ये वाला भेड़िए का स्टेचू है या फिर रियल भेड़िया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। या तो ये मर गया उसके बाद में हिल भी नहीं रहा है, या फिर स्टेचू हाई लेवल। ओ भाई मेरे को जहां तक लगता है ये रियल भेड़िया है, $75 का बिकने वाला अकेला। और जो पिछले वाला अपन लेके आए थे लकड़ी वाला, वो शायद $27 का था मे बी। तो भाई तू तेरे को भी यहाँ पे रखता है, इसको भी अपन ने डब्बे के अंदर पैक कर दिया। ये काफी ज्यादा महंगा बिका है। अभी यहाँ से मैंने ये वाला एरिया चेक नहीं किया था, बाकी तो मैंने साथ साथ चेक कर दिया था। अभी पहले तेरे को उठाता हूँ, अभी एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखो इसको ऐसे किया। ओ भाई इतनी दूर अपन फेंक सकते हैं, तू भी जा तेरे इसके साथ साथ में जा, तू भी बिल्कुल इसके बराबर, इससे भी आगे जाना तेरे को। ओ बस ये वाला डोर ओपन नहीं हो रहा, शायद तक पीछे की साइड से लॉक हो रखा होगा, अपने को फ्रंट साइड से चलना होगा। तो देखो अंकल जी, अपन ने थोड़ा बहुत तो ढूंढ लिया, भाई का जितना एरिया था ना वो मैंने सहक सा देख लिया है। आप बस बढ़िया से रेडियो बजाओ, गाने सुनो, इसको तोड़ दो, कोई काम करें, इसको ऑफ करो। इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ ट्यून कहाँ से बज रही है। अंकल जी बढ़िया से गाने सुन रहे हैं, आप धूप का मजा लो यार, ये गाने मत सुनो यार भाई, मेरे को भी गाने सुनने का मन हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ चलता हूँ। बाकी उसने आपको कोई की भी दी थी क्या? नहीं दी थी, अपने को ऐसे चेक करना। ओ हाँ फ्रंट से खुला पड़ा, मैं तो था की भी नहीं दी थी और ऊपर से खुल भी नहीं रहा, तो अपन चेक कैसे करने वाले हैं। बाकी मेरे को अंदर जाने में यार काफी ज्यादा डर लग रहा है, अंदर की साइड से मेरे को बस ये डर है कोई निकल ना आए जानवर। ये वाला बॉन्ड काफी ज्यादा भूतिया सा हो रखा है, वो तो बढ़िया है। अपन दिन में वरना रात को तो हालत खराब हो जाती है अपनी। पहले चलता हूँ मैं आराम से अंदर की साइड में, और यहाँ पे कुछ वैसा एरिया नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ से चमगादड़ बाहर निकलने लगे। और यहाँ पे देख रही हो कितने ज्यादा मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, मतलब कि पूरा का पूरा बांध खराब हो रखा है। भाई तू इस साइड में डाल, यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ये वाला बेचने लायक है। तू भी चल निकल, और तू भी निकल इस साइड में, तू भी निकल, और तू भी निकल, और नीचे साइड में तू भी निकल। ये कुछ तो था, पता नहीं क्या था, मैंने बस बेच दिया। यहाँ पे कुछ है, ओ बेड था ये अपन ने सेल कर दिया। यहाँ पे ये कुछ तो है बट कोई काम का नहीं है, तू भी निकल भाई। ओ एक सेकंड मेरे को कबर्ड मिली, कबर्ड 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 भाई, इसको खोलो खोलो, कुछ तो होना चाहिए। कुछ नहीं है भाई, ये क्या पता क्या था। ये ऊपर की साइड में एक और था ना, ये वाला मैंने छोड़ ही दिया भाई, इसको तो मैंने चेक ही नहीं किया। भाई तू नीचे रखना यार, क्या दिक्कत आ रही है तेरे को। ओ भाई अपने को एक की मिली है भाई, पहले तो तू साइड में कोई नहीं, मेरे को की मिल गई है, पता नहीं है किसकी है बट अपने को एक की मिल चुकी है, जो कि मैंने मेरे बैग के अंदर रख ली है। अभी नीचे की साइड से यहाँ पे लगने वाली है की या फिर कहाँ पे लगने वाली है, यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा मेरे को की लगने जैसा। बट अपने पास एक एटलीस्ट की तो है, जो मेरे को अभी पता नहीं कहाँ पे लगने वाली है, क्योंकि उस बंदे ने कहा था यहाँ पे एक मैप भी मिल सकता है, क्या पता कुछ ऐसा हो उस मैप के अंदर कोई लोकेशन होगी और वहां पे जाके अपने को की लगने वाली है और कुछ ना कुछ तो ओपन होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो अपन ढूंढने के लिए आए थे वो था हिरन वाला, तो वो अपने को ढूंढना है, वो अभी तक अपन ने ढूंढा भी नहीं है। और यहाँ पे सुई वाली चीज है, मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया और शानदार सी लगी, और इसके पूरे के पूरे $45 मिलने वाले हैं अपने को, तो इसको तो मैं पक्का लेके चलने वाला हूँ भाई। तू तो यहाँ प्यार रखते हैं इसके अंदर, इसको भी क्या। बट एक सेकंड यार, ये क्या था, मतलब कि अपना जो ये डब्बा था ना, इसके अंदर एक वोल भी आ गया, साथ में एक वो व्हील वो लकड़ी वाला था वो भी आ गया, बट फिर भी ये छोटा है। और ये वाला एक छोटी सी के अंदर भी इतना ज्यादा बड़ा डब्बा बन गया। अंकल जी क्या कर रहे हो, थोड़ा ढंग से पैक कर लो यार, एक पैकिंग का सामान दिया उसको भी ढंग से नहीं कर रहे हो। अभी अपने को वापस से यहाँ तक अपने चेक कर लिया था, यहाँ पे ये वाली लकड़ियाँ कोई काम की नहीं है। अभी यहाँ पे मेरे को ये मुंडी मिली हुई है, और यहाँ पे भी फोटो जो कि कोई काम की नहीं है, नीचे की साइड में ये भी कोई काम का नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब साइड की साइड अलमारी बेकार है भाई, तुम यहाँ पे क्यों, साइड की सारी चीजें बेकार है यहाँ पे। और पीछे की साइड में यहाँ पे अपने को एक खतरनाक सी चीज मिली है, जो कि है अपनी बाइक, जिसको अपने को रिपेयर करना है, वो यही तो मेरे को चाहिए थी यार। मतलब कि ये बाइक काफी ज्यादा बढ़िया, और ये वाली बाइक यामाहा की बाइक है, बट इसके अंदर तो यार इंजन ही नहीं है, मतलब कि पूरी की पूरी बाइक खोखली हो रखी है, अपने को इंजन विंजन सारा कुछ लगाना होगा भाई। आराम से आ जाए यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ओ बिल्कुल बिल्कुल आराम से, इसको अपन यहाँ से निकाल नहीं सकते, ये क्या बदतमीजी, ऐसे ऐसे कुछ, ओ बढ़िया से, बस आराम से इस साइड से निकाला, इसको अपन पूरी को रिपेयर करने वाले हैं, इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं, बस आराम से इसको भी डब्बे के अंदर पैक कर दिया है। अभी चलते हैं वापस से अंदर की साइड में, इस वाली बाइक क्लियर, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको पूरा रिपेयर करने के लिए।
तो ये वाला भी ऊपर रिपेयर करने वाले हैं। और यहाँ पे तो कुछ बाकी बचा नहीं है, अपने सारा कुछ चेक कर लिया है, बस लास्ट अपने को फाइनली स्टेज के ऊपर जाना है। बाद में ये वाला, पहले तो तुम साइड हो यार, मेरे को ऊपर जाना है, तुम यहाँ पे बीच में क्यों दिक्कत दे रहे हो, बस आराम से। अब भी अपने को यहाँ से ऊपर जाना है और बिल्कुल आराम से जाने वाला हूँ, बस कोई देख ना ले अपने को। भाई आराम से मैं ऊपर गया, ओ भाई अपने को यहाँ पे मिल गया जो फाइनली अपने को हिरन चाहिए था ना, वो अपने को सामने की साइड में मिल गया। लेकिन उससे भी मुश्किल टास्क ये है कि अपने को वहां पे जाना है। और भाई ये क्या है भाई, सॉरी, पहले मैं उस साइड में जाता हूँ, ये मेरे को लेना है। ओ भाई अकेला $300 का, एक सेकंड वापस चलता हूँ। और मेरे को उस साइड में पता नहीं किस बंदे की लाश मिली थी, पता नहीं वो क्या था यार, ये कुछ तो था, मेरे को काफी ज्यादा भयानक एंड डरावना लग रहा है वो। भाई तू पहले तो नीचे गिर यहाँ से, तेरा कोई, मैं तेरे को नीचे जाके उठाने वाला हूँ, ये कुछ पता नहीं क्या था। अभी साइड में एक बीर की बोतल थी, मैं उसको बेच सकता हूँ, जो कि यहाँ पे ये वाली, तू बिक जा, इससे रुपए मिलने वाले हैं। अभी सामने की साइड में पहले अपने को जंप लगाना है, 1, 2 एंड 3 आराम से। ऑल राइट, अभी देख रहे हो अपना ये अकेला $300 का बिकने वाला है। मैं सोचता था कि 100 का सारा सामान, बट ये अकेला $300 का, और इसके अलावा जो और सामान उसकी प्राइस अलग है। अभी तो अब भाई पहले मैं इसको लेके चलने वाला हूँ, आजा आजा आराम से बाहर निकल के आजा भाई। यार ये फंस गए यहाँ पे, ऐसे कुछ निकालना होगा अपने को। तो गाइस देखो ये ऐसे तो जा नहीं रहा, प्रेस टी टू मार्क ट्रांसपोर्ट, ओके ठीक है मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, पता नहीं इसका क्या होने वाला है। पिकअप इन 1 सेकेंड, ओके डन। अब इसका क्या बन गया भाई, ओ बिल्कुल छोटा सा बन गया, जॉब आइटम फाउंड, ओके ठीक है मतलब की कुछ छोटा सा बन के उसके बाद में जो अपने अंकल जी उसको बाहर लेके अपनी गाड़ी के अंदर ले जा चुके हैं। और यहाँ का मे भी मैंने सारा एरिया क्लियर कर दिया होगा, ऊपर की साइड में लास्ट टाइम मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ मैंने छोड़ा तो नहीं है ना। बस अपनी एक बॉडी है वो अपने को उठानी है, वो पता है नहीं मेरे को किस बंदे की है। हाँ यहाँ का अपने सारा एरिया क्लियर कर दिया, यहाँ का भी सारा एरिया क्लियर कर दिया, मेरे ख्याल से मैंने कुछ छोड़ा नहीं होगा, सारी चीजें मैंने बेच दी है, बस लास्ट अपनी एक ये बची थी तो ये भी चलो मैंने बेच दी है। बाकी गाइज आपने अगर कोई नोटिस किया हो चीज तो मेरे को बताना, अपन वापस आके लेने वाले हैं। और तू चल भाई, तेरे को अपन बेचने वाले हैं भाई, पता नहीं किसका था सीरियल लव। ओ भाई ये कोई लड़की थी जो यहाँ पे मर गई, पता नहीं किस वजह से मर गई, बट ये मर गई, इसकी बॉडी है तो मैं इसको भी यहाँ पे रखने वाला हूँ। और जो कि अपना स्टेच था ना हिरन वाला, वो देख रहे हो कितनी सेफली यहाँ पे पैक हुआ है ताकि वो किसी डैमेज ना हो, और वो बढ़िया से रुपए में बिके। तो अभी देखो गाइस अपन ने क्या क्या ले लिया, अपन ने व्हील ले लिया, वॉल्फ ले लिया, यहाँ पे एक ये कुछ स्टेचू था मतलब बिल्ली टाइप का, ये भी अपन ले लिया, अपन ने एक बाइक भी ले ली, अपन ने जो हिरन था वो भी ले लिया, और साथ ही में अपन ने एक स्टेचू था मतलब लड़की का स्टेचू नहीं था, पता नहीं जिंदा लड़की थी कौन थी, अपन ने ये भी ले लिया है। तो गाइस अभी देखो मैं ढूंढ रहा था कि अपन ने फाइनली क्या चीज ऐसी है जो अपन ने छोड़ दी, अपन ने पूरा का पूरा पान चेक कर लिया बट अपने को नहीं मिली। वो पता है क्या है, ऊपर की साइड में आप यहाँ पे देख रहे हो इस ग्रेनाइट फीडर के ऊपर भाई एक छोटा सा टॉयलेट पेपर है, तो अपने को वो लेना है, बट इसके ऊपर जा नहीं सकते, इसके लिए अपने को स्टेज चाहिए होंगी। तो यहाँ पे अपने पास देखो अभी स्टेज तो है नहीं, नए अपने पास अंदर की साइड में है, यहाँ पे बस अपने पास ये वाली स्टेज है, वो इनको अपन लेके जा नहीं सकते, बस ये यहीं पे रहने वाली है, वैसे कुछ अपन कर सकते नहीं इनका या कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए अपन बस दूसरी स्टेज लेके आ सकते हैं अगर उसको उतारना है, तो वो अभी अपने पास है नहीं। तो आज तो अपने को अभी चलना पड़ेगा अपनी वापस अपने घर पे, तो अभी चलते हैं अपन वापस से अपने खुद के पवन शो मतलब खुद की शॉप पे। बाय बाय, इंटरेस्टिंग द वुमन स्पेसिमेन शो ग्रेट पोटेंशियल। ओ भाई देख रहे हो ये बंदा कैसे चेक कर रहा है, वो भी ग्रे, ये बस है कौन यार, एक सेकेंड इसको जानता भी नहीं हूँ। Cloud Bond Finders, be the ones to save us. Unlocked bonds now will have sometimes some items when you visit again. Okay, ठीक है। तो गाइज अभी देखो मैं साइकिल सारा सामान लेके अपने घर पे आ चुका हूँ, और अभी रात भी काफी ज्यादा हो रखी है क्योंकि अपन सारे दिन वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उसके बाद में यहाँ पे तो रात हो गई है। अभी अपने को क्या करना है, जितना भी सामान है इसको यहाँ पे स्टोरेज में करना है, इसको कुछ ना तो करने वाला है, शायद इसको पिचकाने वाला है, पता नहीं क्या करने वाला है, तो ये वाला काम अपन बाद में करने वाले हैं। बाकी गाइज आज की वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ में मेरे को कमेंट में जो बताना कि आज वाली वीडियो में आपका सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था। बाकी गाइज अपन साथ ही साथ में यहाँ पे भी सामान लेके आने वाले हैं, तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। गाइज बाय बाय, लव यू, टेक केयर।